अस्सलाम वालेकुम, आप सब कैसे हैं। मैं खुदा से दुआ करती हूँ कि आप सब खैरियत से हों और उम्मत मुस्लिमा की तमाम परेशानियों को परवरदिगार आलम हल कर दे, आमीन या रब्बिल आलमीन। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अपनी वीडियो का आगाज़ करते हैं। और मैंने सोचा कि ईद के बाद बहुत आराम कर लिया, ईद गुजर गई, अब सब अपने अपने काम पर लग जाएँ, तो मैंने कहा सर थोड़ी सी बातें शातें करते हैं, थोड़ा सा काम करते हैं। सुबह से बहुत डल तबीयत हो रही थी, बिल्कुल भी दिल नहीं चाह रहा था कैमरा पकड़ने का या वीडियो बनाने का, लेकिन फिर मैंने कहा वीडियो तो बनानी है, व्यूवर्स से तो बात करनी है अपने, तो बहुत सारे काम थे जो आप लोगों को दिखाने हैं। और ये पीछे जो रोशनी नज़र आ रही ना, ये बल्ब चार्ज हो रहा है क्योंकि लाइट यहाँ पर होती नहीं है, इसलिए लाइट ने बहुत मसले खड़े किए हैं। और बस ये मेहंदी जो उतर गई है, थोड़ी सी रह गई उतरने के लिए, और जब ये उतर रही होती ना तो बहुत बुरी लगती है। और बस मैंने इसलिए मेहंदी लगवाई थी कि सुन्नत है, लगवानी चाहिए, खुशी का दिन था, ईद का दिन था, तो इसलिए मैंने मेहंदी लगवाई थी। और मेरे बच्चों को मेहंदी बहुत बुरी लगती है, वो फिर पानी खाना कुछ नहीं खाते मेरे हाथ का। और छोटा वाला तो ये पूछ रहा था अम्मी ये मेहंदी आपकी कब हटेगी, तो मैंने उसको कहा हाँ बेटा हट जाएगी। तो अभी मैं सोच रही हूँ कि ये मेहंदी कपड़े धोने से हटेगी, क्योंकि घर में बर्तन तो इतने होते नहीं हैं, तो या तो आप किसी की दावत कर लें या आप जो है ना वो कपड़े धो लें। तो सुबह से वैसे भी मैंने जानमाज़ें भी धोई हुई थी, एक जानमाज़ है वो मैंने भिगोई थी कि मुझे धोनी है वो, लेकिन हमारे हस्बैंड साहब जो है ना उन्होंने काम फैला दिया, वो काम ये फैलाया उन्होंने कि ना वो माइक्रोवेव है ना उसको खोल के वो सफाई कर रहे हैं, तो वो फैला हुआ है गैलरी में और कुछ नहीं हो सकता। और कपड़े वैसे ही सुबह वहाँसी धो के गई थी तो वो भी पड़े हुए हैं ऊपर से, वो उतारने भी सूखे नहीं है वो, तो मैंने सोचा जानवाज़ भिगो दूँ। तो अब मुझे मसला ये हो रहा है कि मैं कैसे धूँ, क्योंकि वहाँ पेज माइक्रोवेव तार सब खुला पड़ा हुआ है, तो बड़ा मसला हो रहा है। चले मैंने सोचा मैं आपको बताऊँ कि थोड़े से कपड़े जो सूख गए थे वो मैंने तह लगा लिए हैं, तो मैंने बोला उनको कवर्ड में रख दूँ, थोड़े से घर समेट दूँ, खाना मेरा बना हुआ था। और मैं इस वक्त जा रही हूँ चाय बनाने के लिए, चलें आपसे चाय बनाते हैं और फिर बात करते हैं। ये आप देख सकते हैं पेज रखे हुए हैं नीचे, पेज कस रखा हुआ है, और ये माइक्रोवेव पूरा खोल लिया है उन्होंने, ये कपड़े जो है ना सूख रहे हैं। ये मैंने जानवाज़ जो है वो भिगोई भी है ताकि ये धुल जाए, साफ़ हो जाए, क्योंकि बहुत दिन हो गए थे ये धुली नहीं थी। तो ये देखें तार भी ऐसे ही पड़ा हुआ, कहते मैं आ जाऊँ फिर मैं और काम करूँगा। चले सी मेरी फ्रेंड आने वाली है, जब तक मैं ये जो यहाँ पर कबाड़ खाना मचा हुआ ना मेरे तख्त पे और ये स्टैंड पे, मैंने कहा सब जल्दी जल्दी कपड़े में जगह जगह पे रख दूँ, फिर आपसे मिलते हैं। और सबसे पहले मैं चाय का पानी रखूँ, क्योंकि चाय का पानी रखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि पकी हुई चाय जो होती है ना वो बहुत अच्छी लगती है मुझे, देर तक पकी हुई चाय। तो चलें सबसे पहले हम चाय का पानी रखते हैं। जी चाय का पानी रख दिया है, मैं और मेरी फ्रेंड दाल के पराठे खाएँगे चाय के साथ, बहुत ज़बरदस्त लगते हैं। आज मैंने खाने में भी यही बनाया है, ठीक है। और ये खुश्की, ये चाय का पानी, ये हमारा चाय का पानी हो गया है। और अब हम जो है ना जा रहे हैं कपड़े रखने के लिए जलील। ये मेरा बेटा सो रहा है, सो नहीं रहा है कि मोबाइल यूज़ कर रहा है, और अगर इसको पता चल गया है कि मैं इसकी वीडियो बना के डाल रही हूँ तो बहुत गुस्सा करेगा। चले हम जल्दी जल्दी से आपसे बातें भी करते हैं। तो आप लोगों में से किसी ने भी मुझे कमेंट्स में नहीं बताया कि आपकी ईद कैसी गुजरी। मेरी तो बहुत अच्छी गुजरी, लेकिन बस ये जो छूट नहीं रही ना मेहंदी, ये बहुत बुरी लग रही है मुझे, बहुत अजीब से हाथ हो रहे हैं, और बहुत ना वैसे भी बहुत सूखा सूखा सा मौसम हो रहा है, तो हाथ बहुत ही अजीब हो रहे हैं। चले सबसे पहले मैं मोहम्मद के कपड़े रखती हूँ, फिर आके आपसे बात करती हूँ। चले जी हमारा तखत जो है वो बिल्कुल सिमट गया है, साफ़ सुथरा हो गया है। अब हम चाय में चीनी पत्ती डाल दें, क्योंकि चाय का पानी जो है वो पक पक के जो है वो एबनॉर्मल हो जाएगा। ये हमारी मियाँ की आंखें जो यहाँ छोड़ के चले गए, ताकि कोई बच्चा आए और उस पर उसको तोड़ दे या कोई बैठ जाए, क्या कर सकते हैं वो, बहुत मसले हैं। ये अपनी जगह होता ही नहीं है, ये कभी कहीं से मिलता है कभी कहीं से मिलता है। चले हम इनकी आँखें उठा के रखें पहले, फिर आपसे बात करते हैं। कि मैं अपने पैसेज में आई हूँ दिखाने के लिए, आपको देख सकते हैं आप, ये हमारा पैसेज बहुत प्यारा ज़बरदस्त सा। और मैंने सोचा चले थोड़े से किचन से और घर से बाहर भी निकल के आप लोगों से बात की जाए। मुझे अपना पैसेज बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि एक तो वॉक करने का एरिया बहुत अच्छा है, और दूसरा ये इधर बच्चे बहुत कम होते हैं हमारे पैसेज में,
सैटरडे संडे को होते हैं ज़्यादा, लेकिन वैसे आम दिनों में कम होते हैं बहुत। तो मज़ा आता है बहुत अपने पैसेज में, साफ़ सुथरा बहुत प्यारा सा। और कभी उस तरफ का भी दिखाऊंगी आपको, मिलके करीब करके दिखाती हूँ कि इधर ना एक पिंजरा सा है, उसके अंदर बाज है। कभी किसी और वीडियो में मैं आपको ये बाज दिखाऊंगी। और फ्लावर्स लगे हुए हैं यहाँ पर, और वो ऊपर से सीढ़ियाँ जा रही हैं, स्टेयर्स जा रही हैं ना, जो वो है छत का, छत पे जाने का रास्ता है वो ना। और तभी शाम में हस्बैंड के साथ गई तो मैं ज़रूर आपको दिखाऊंगी कि छत पे जाने का जो रास्ता है ना वो बड़ा अच्छा है। और ये कोई बच्चा है जो मुझे बहुत घूर के देख रहा था अंधेरे में, शायद उसको मैं सही से नज़र नहीं आ रही, लेकिन मेरी तरफ से रोशनी हो रही है। और ये मेरी फ्रेंड का घर, जो चले गए हैं यहाँ से, घर छोड़ के अपना शिफ्ट हो गए वो लोग। और बस और क्या दिखाऊँ मैं आपको, और मैं चले थोड़ी सी बातें शाते हो जाएंगी आप लोगों से। अस्सलाम वालेकुम जावियर, कहाँ जा रहे हैं आप? जावियर कहाँ जा रहे हो? जावियर बाय बाय कर दो, बाय बाय कर दो जावियर। और बिल्ली बन के दिखा दो जरा जावियर, बिल्ली बन के दिखाओ, इधर इधर देखते। अब बिल्ली बनो, बिल्ली बनो, बिल्ली बन के दिखा दो जल्दी से जावियर, बिल्ली बन जाओ। और ऐसे तो कर दो, ऐसे तो कर दो, ये क्या हो रहा है? पहले बिल्ली बनो, मियाओ, बिल्ली बन के दिखा दो जल्दी से, जल्दी से बिल्ली बन जाओ। उधर नहीं, पहले आप बिल्ली बनो जावियर, बिल्ली बन जाओ, जाओ बिल्ली बन जाओ ना, मियाओ। कैसे बनते हो? बिल्ली बन के दिखाओ। अच्छा तुम इधर से आओ, जल्दी से बिल्ली बन के दिखाओ, बिल्ली बन के दिखाओ, जल्दी से बिल्ली बनो। अल्लाह, और अंकल कैसे करते हैं? कैसे करते हैं? और यूं भी तो करते हैं, ऐसे भी तो करते हैं, ऐसे भी तो करते हैं, कैसे करते हैं? जल्दी से इधर देखो, इधर देखो, कैमरे में देखो। ये जावियर हमारे सामने रहता है बच्चा, बहुत प्यारा, बहुत मजे का, और मेरा बहुत जानू बेटा है ये। बाय बाय, कहाँ जा रहे हो? चीज लेने जा रहे हो? चीज लेने जा रहे हो? इसमें बताओ, इसमें इसमें देख के बताओ, चीज लेने जा रहे हो? बाय बाय कर दो उनको, बाय बाय कर दो जल्दी से, जल्दी से बाय बाय करो, ऐसे ऐसे बाय बाय करो। और चटनी कैसे बनाते हो जावियर? चटनी 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 कैसे बनती है जावियर? जावियर बता दो। चले भाई जावियर तो चले गए। जावियर छोटे छोटे प्यारे प्यारे से कदमों से, जावियर तो चले गए। मेरी फ्रेंड का बेटा आ गया मोहम्मद अली। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। चूहा आया था, जल्दी बताएं, जल्दी बता दे मुझे, जल्दी से, जल्दी से बता दे, चूहा आया था कि नहीं आया था? तो कहाँ आया था? तोड़ू में आया था। और आप कहाँ आए, किसके घर आए आप, ये तो बता दे जरा, जल्दी से बताएं। किसके घर? फरीन आंटी के घर आए। अच्छा आप चाय पियेंगे ना? नहीं। फिर क्या पियेंगे? कुछ भी नहीं पियेंगे आप? टीवी लगा दूं आपको, बेबी टीवी? नहीं। फिर गंदे नहीं, गंदे नहीं। कुछ भी नहीं लगाऊं। अच्छा वो चूहे वाली स्टोरी दोबारा सुना दे। नहीं। अच्छा कोई और से सुना दे। नहीं। अच्छा आपको खोपड़ी, खोपड़ी में गुस्सा आता है आपकी? नहीं। क्या करते हैं? खोपड़ी तोड़ देते हैं? नहीं। मुक्का भी मारते हैं? और क्या करते हैं? अच्छा जैद साहब ने कुछ और सिखाया आपको? नहीं सिखाया कुछ भी जैद साहब ने? चले गए। कहाँ गए? कहाँ गए वो लोग? नानी के घर। और आप नहीं गए नानी के घर? क्यों? नहीं, कल तो गया था। कल तो गए थे। और बाबा थे आपके घर में? बाबा थे घर में? बाबा अच्छे हैं, अम्मी अच्छी हैं? हैं? नो नो, कौन अच्छा है? कौन अच्छा है? फरीन आंटी अच्छी है? नहीं। ओ चले भाई, ये मेरी थोड़ी सी ईद की तस्वीरें जो मैंने कहा मैं आपके साथ शेयर कर लूँ, ये थोड़ी सी देर में आई थी इसलिए मैं देख सकते हैं आप। अगर आप लोगों को मेरी वीडियोस पसंद आती हो लाइक शेयर कमेंट करें। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। कल मिलूँगी एक नए दिन के साथ, एक नई वीडियो के साथ। बाय बाय। कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा कि आप लोगों को ये तस्वीरें कैसी लगी। अल्लाह हाफिज़।